बाकी छुआछूत की वजह से जो राजा वाजा थे वो पीने नहीं देते पानी, तो उन्होंने अपना खुद का कुआं खोला और उस खोदने के बाद फिर बोला कि आप लोग यहाँ पानी पी सकते हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कुछ हो, बाकी सब चीज़। मतलब वो सामान्य लोगों को भी पीने के लिए बुलाते थे, पिछड़ी जाति उनके लिए हर कोई सामान्य था। जातियों के लिए था क्योंकि उन्हें हमेशा से दबाया गया है, जो भी है उनके लिए ये कुआं खोदा गया था। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुणे में और मेरे पीछे ये दो मूर्तियाँ देख के अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा फूलेवाड़ा में। फूलेवाड़े का अर्थात है जहाँ सावित्री बाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले का घर था। सावित्री बाई फूले एक समाज सुधारक थी और भारत की पहली ऐसी महिला शिक्षक थी जिन्होंने खुद शिक्षित होने के साथ ही साथ और महिलाओं को भी शिक्षित किया, समाज में जागरूकता फैलाई। समाज में पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर हमेशा से मर्द आगे रहे, लेकिन उस काल में औरतों के हक की लड़ाई लड़ने वाली, औरतों की पढ़ाई की बात करने वाली, औरतों को शिक्षित करने वाली एकमात्र महिला थी। वही बात की जाए अगर ज्योतिबा फूले की, तो वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उनकी पत्नी द्वारा समाज में शिक्षा का स्रोत बना। आज आपको घुमाने जा रहे हैं पूरा फूलेवाड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुणे में फूलेवाड़ा में, जो कि सावित्री बाई फूले का घर था। मेरे ठीक पीछे ढेर सारी कलाकृतियाँ हैं, अलग अलग पेंटिंग्स हैं, जिसके द्वारा ये दर्शाया गया है कि किस तरीके का कार्य किस काल में सावित्री बाई फूले द्वारा किया गया था। तो इधर मेरे दाहिने हाथ पर पूरा प्रांगण है, पूरा जो आंगन है घर का वो है, और बेहद खूबसूरती से इस पूरे प्रांगण को जो है साफ सुथरा रखकर सजाया गया है। अभी तक 1831 में जो है सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ था। जन्म के बाद लगभग बेहद कम उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फूले से कर दी गई। वो पढ़ना चाहती थी मगर शादी से पहले उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। शादी के बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन ज्योतिबा फूले ने करा और पढ़ाई प्राप्त करने के साथ ही वो भारत देश की पहली शिक्षक बनी, महिला शिक्षक बनी। उसके बाद खुद शिक्षित होने के साथ उन्होंने समाज में औरतों को और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। आपको लेके चलते हैं पीछे और दिखाते हैं किस तरीके से उनकी जीवनी को यहाँ दिखाया गया हुआ है कलाकृतियों के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई है जहाँ पे महात्मा फूले सावित्री बाई को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खूबसूरती से इस मूर्ति को तराशा गया है, इस पेंटिंग को बनाया गया है, उकारा गया है, जो पेंटिंग्स हैं वो उभार कर बनाई गई हैं। उसके बाद दूसरी कलाकृति यहाँ आती है जहाँ भारत में औरतों को खुद शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उन्हें लगा कि वो अपनी शिक्षा को बांट सकती हैं, कहते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है, उन्होंने उस चीज़ को उदाहरण के तौर पे अपनी ज़िंदगी में अपनाया और यहाँ वो अलग अलग बच्चों को, कन्याओं को, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, ये और इधर महिलाएं हैं, अलग अलग लोगों को शिक्षित करती नज़र आ रही है। बात अगर तीसरी कलाकृति की जाए तो यहाँ पर विवाह दिखाया जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह। हमारे समाज में सावित्री बाई फूले वो पहली महिला थी जिन्होंने विधवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, वरना उस दौर में विधवा होना आपको समाज से अलग कर देता था। समाज की किसी भी तरीके की अच्छाइयों को, किसी भी तरीके के मनोरंजन को आप अपना नहीं सकते, विधवा को अलग कर दिया जाता था समाज से। ऐसा लगता था कि उसका जीवन अंतरकाल उसके पति के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन माता सावित्री ने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया, एक विधवा को भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करने का दर्जा दिया। वहीं दूसरी ओर की अगर कलाकृतियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक दो तीन पेंटिंग्स, यानी कि तीन पेंटिंग्स इस साइड हैं तो तीन पेंटिंग्स इस साइड हैं। दिखाते हैं कि इन पेंटिंग्स में, इन कलाकृतियों में क्या क्या दर्शाया गया है। सबसे पहली कलाकृति है जहां माता सावित्री लोगों को पानी पिलाते हुए नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आम सी चीज़ है कि पानी पिला रही हैं, नहीं ये आम चीज़ नहीं है। पानी कहते हैं ना, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और जब उसमें एक तत्व आपको ना मिले, आपकी जाति के आधार पर आपको पानी पीना किसी भी कुएं से अलाउड ना हो, कि क्योंकि आप दलित समाज से आते हैं या पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप सवर्णों के कुएं से पानी नहीं पी सकते। इसीलिए माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले ने अपने घर में एक कुएं का निर्माण किया,
ये यहाँ पर उस कुएं से सभी लोगों को पानी पिलाती थी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, उनके लिए सामान्य थे। इक्वालिटी की अगर बात करें तो सही सही उदाहरण ज्योतिबा फूले और माता सावित्री ने समाज में पेश किया था एक सामान्यता का। वहीं दूसरी पेंटिंग की तरफ आएं तो यहाँ पे सत्यशोधक समाजाति स्थापना की गई थी, मतलब कि एक ऐसा समाज जहाँ पे सत्य हो, इक्वालिटी हो, समानता हो, पिछड़ा वर्ग आगे लाने की कोशिश की जाए। आखिरी कलाकृति की बात करें तो यहाँ पे जब एक महामारी फैली थी तो माता सावित्री ने अपने प्रांगण, अपने घर में उन बच्चों को, उस दौरान उस महामारी में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मौत हो रही थी, उस वक्त माता सावित्री ने बच्चों को अपने घर में जगह दी, रखा, सेवा करी। तो ये पेंटिंग्स के ज़रिए जो है पूरी स्टोरी जो है समता भूमि में आपको देखने को मिली। आगे चलते हैं, आपको फूलेवाड़ा की ओर लेके चलते हैं। मेरी बाईनी ओर पे महात्मा फूलेवाड़ा है, जो कि महात्मा फूले और उनकी पत्नी का घर था। तो हम महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, और किसी मंदिर से कम नहीं है, इसलिए यहाँ जो है जूते उतार के जाने के सख्त इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और अंदर का दौरा कराते हैं कि कैसा घर था, कैसी जगह पर वो रहते थे। बेहद खूबसूरत घर है, यहाँ वो कुआं आप देख सकते हैं जो उन्होंने अपने घर में, जिस कुएं का निर्माण किया था, जिस कुएं से वो हर किसी को सामान्य रूप से जो है ट्रीट करते थे, सामान्यता की नज़र से देखते थे और हर किसी को पानी पिलाते थे, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर मनुष्य को आम जनजीवन में होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर उस दौर में पिछली जाति के लोग या ये कहें कि दलित समाज को पानी पीने के लिए भी इतनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो उस दौर में दलित समाज और पिछड़ी जाति का किस तरीके से शोषण हो रहा था। पीछे लेकर चलते हैं आपको आंगन, यानी कि आंगन, ये पूरा जो है ये प्रांगण, ये आंगन है पूरा। मेरे दाहिनी ओर अगर अंदर जाएं तो पड़वी, अब क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है मराठी में समझना कि ये क्या लिखा है, कमरे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए स्वयं पाक घर, जहाँ पे स्वयं पाक का मतलब होता है कि जहाँ पर खाना बनाया जाता था। तो अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि ये शायद से रसोई रही होगी, क्योंकि पाक का मतलब खाना बनाना। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले की एक बड़ी सी सुंदर कलाकृति मौजूद है। वहीं चारों तरफ जो है अलग अलग चित्रकलाएं मौजूद हैं जो दर्शा रही हैं, यहाँ बच्चों को वो पढ़ाते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ वो मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ वो लोगों से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, आगे किसी राजा या लाला के साथ बैठे हैं, इस तरीके से अलग अलग चित्रकला। और यहाँ एक बेहद अहम तस्वीर मौजूद है जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई की शादी की तस्वीर यहाँ है। आगे बात करें तो यहाँ वो किसानों के साथ कुछ बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, आगे खाना बंटवाते समाज के लिए, क्योंकि वो समाज सेवी थे, समाज प्रेमी थे। अलग अलग जगह अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ मौजूद हैं। दूसरे कमरे का दौरा कराते हैं आपको, पड़वी। यहाँ पे ढेर सारी चित्रकलाएं मौजूद हैं और यहाँ सबसे बड़ी पेंटिंग जो है वो महात्मा ज्योतिराव फूले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले की है। अलग अलग कलाकृतियों से दर्शाया गया है उनकी जीवनी को, उनके जीवन काल को। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की भी फोटो लगी हुई है। बता दें कि बाबा साहब जो हैं वो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे अपनी जीवन में, वो उन्हें बहुत मानते थे। आगे अलग अलग कलाकृतियाँ, अलग अलग महान लोगों की, महात्मा ज्योतिबा फूले की अनेक तरीके की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। प्रेस रिलीज, कल्टीवेटर्स, विपकॉर्ड, पवाड़ा, अलग अलग चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स के तौर पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक चित्र यहाँ कुछ अलग दिखा जिसमें लोग कुश्ती करते नज़र आ रहे हैं, तो उस दौर की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। आगे के कमरे में जाएंगे तो इस कमरे में हम मौजूद हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि बैठ किची खोली, मीन्स बैठक वाली खोली, खोली मतलब हॉल। तो जहाँ बैठक लगाई जाती थी, यहाँ एक पिक्चर भी मौजूद है जहाँ वो बैठक करते नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ। तो इस तरीके की अलग अलग तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सर, क्योंकि आप लोकल यहाँ के हैं तो आपको यहाँ पे पता होगा और मराठी आपको समझ में आ रही होगी, बताइए हमें यहाँ के बारे में थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को।
उन्होंने समाज के लिए काफी अच्छा काम किया था जी। उन्होंने जब नीचे वर्ग के लोग थे उनको पानी पीने के लिए मतलब लोगों को छुआछूत की जो पहले की प्रॉब्लम्स थी उन्होंने खुद का अपना वो कुआं खुदवाया, कुएं में फिर ये करवाया। और ये देखिए आज क्रांति गुरु जी लहू की वर्ष 7 साल है, उस समय उनके साथ में थे। इनकी भी बहुत अच्छी भूमिका है इतिहास में। आद क्रांति गुरु लहू जी वस्ताद सालवे, इनकी भी भूमिका बहुत बड़ी रही है समाज में। समाज में हाँ। उन्होंने उस समय लड़ाई के दौरान या जो भी था अंग्रेज सरकार के टाइम पे, और उनका वहाँ पे समाधि है। हाँ। समाधि आपने देखा कि नहीं? हाँ, आइए। वो आगे समाधि है, समाधि में क्या हुआ था अंग्रेज? यहाँ पे लिखा हुआ है शांतता राखा। शांतता राखा क्या है मराठी में? लिखा हुआ है कीप साइलेंस, मतलब चुप रहिए। चुप रहिए, ये यहाँ पे आने के बाद चुप रहिए। तो इस प्रांगण में आकर चुप रहना है वो अलग बात है कि हम बात कर रहे हैं। सर हमें और एक बार एक छोटा सा दौरा करा दीजिए जल्दी से यहाँ का। ये यही है विहीर उनका जी, जो उन्होंने छुआछूत की बीमारी के समय छोटे जातियों के लिए अपने यहाँ खोला हुआ था। विहीर मतलब कुआं। कुआं ठीक है, मतलब कि कभी भी कोई भी आके पानी पी सकता था। उस समय क्या था कि जमीन सूख गया था, बाकी छुआछूत की वजह से जो राजा वाजा थे वो पीने नहीं देते पानी। तो उन्होंने अपना खुद का कुआं खोला और मतलब उस खोदने के बाद फिर बोला कि आप लोग यहाँ पानी पी सकते हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कुछ हो, बाकी सब चीज। मतलब वो सामान्य लोगों को भी पीने के लिए बुलाते थे, पिछड़ी जाति उनके लिए हर कोई सामान्य था। जातियों के लिए था क्योंकि उन्हें हमेशा से दबाया गया है जो भी है, तो उनके लिए ये कुआं खोदा गया था। अंगण मतलब आंगन, अंदाजा लगाना गलत नहीं था मेरा। आगे घूमते हैं कुछ कुछ चीजें। आगे वो समाधि है उनका। हाँ। तो अंग्रेज सरकार में समाधि के लिए उनको ये नहीं दिया गया था। हाँ। कि समाधि यहाँ पे, उनकी इच्छा थी कि मैं यहीं पे मरूं और यहीं पे मेरा समाधि दिया जाए। अस्थि कलश को यहाँ उनके घर में जो है रखा गया है, सरोकार करके रखा गया है। आगे लेके चलते हैं आपको, दिखाते हैं उनकी समाधि के पास जाते हैं और समाधि दिखाते हैं आपको। तो हम पहुंच चुके हैं महात्मा फूले समाधि स्थल पर, ये उनकी समाधि है और कहा जाता है कि यहाँ उनका अस्थि रखा गया है, उनकी अस्थियों को यहाँ रखा गया है। एक फूल का निर्माण, एक पौधे का निर्माण यहाँ किया गया है। तो हमने आपको दौरा कराया महात्मा फूले और उनकी पत्नी के घर का, यानी कि सावित्री, माता सावित्री के घर का। दो चार चीज़ें जो बहुत अहम थी, दोनों ही लोग समाज सेवी थे, समाज प्रेमी थे और दोनों ही लोगों ने पिछड़े वर्ग के दलित समाज के लोगों के लिए अपनी अंतता तक, अपनी मृत्यु से पहले तक, अपने मृत्यु काल से पहले तक कार्य किया। माता सावित्री जब मरी, हैजा काल में उनकी मृत्यु हुई, उस वक्त भी वो लोगों के बीच, समाज के बीच पहुंचकर लोगों की जो है जान बचाते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो अपने लिए नहीं जी उन्होंने, दूसरों के लिए जी। कहते ना कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, बात तब हो, मज़ा तब आए जब आप किसी और के लिए जिए। तो ये बात उन दोनों ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में साबित की, दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, समाज में एक बड़े बदलाव के लिए जिए। माता सावित्री जब भी शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा देने स्कूल की तरफ जाती तो हमेशा अपने बैग में 2 साड़ियाँ रख कर जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त समाज इतनी क्रूरता से उन्हें देखता था कि ये क्यों जा रही हैं, ये क्यों पढ़ा रही हैं। उन पर रास्ते में कचरा फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, ईंटें पत्थर फेंके जाते थे और वह कहती थी कि क्या तकलीफ़ है, मैं आपकी ही कन्या को, आपकी ही पुत्री को, आपकी ही पत्नी को शिक्षित करने जा रही। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने एक लड़ाई जो है वो समाज के खिलाफ लड़कर, आज अगर मैं कोई भी स्त्री समाज में अपने लिए स्टैंड ले सकती है, समाज में खड़ी है सरोकार से, तो वो सिर्फ माता सावित्री की वजह से, क्योंकि उस वक्त उन्होंने हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ाई की, हमें शिक्षित किया और उस दौर से उस शिक्षा का आगे बढ़ना और हम आज के दौर में यहाँ खड़े हैं शिक्षित होकर, और इतनी ज़्यादा जो है अच्छाइयाँ उनके अंदर थी समाज को लेकर वो हमें देखने को मिली। इसीलिए उनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहा और ये थी उनकी जीवनी काल जो हमने आपको पेंटिंग्स के जरिए दिखाई। ये था उनका घर फूलेवाड़ा। तो ऐसी ही सीरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही चीज़ों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।